हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, तो 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सम है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एससीएफ ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। इसका बिल्कुल सेम है, तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट 196 एंड 38,220। तो इसमें जो रूल अप्लाई होना है वो होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज क्वेश्चन, r इज क्या हुआ रिमाइंडर। तो इसमें डिवाइड वाले मेथड में हमारा जो a होगा वो क्या होगा डिविडेंड, और डिवाइजर कौन हुआ b, क्वेश्चन क्या हो गया q, और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास r। तो अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 38,220 हमारा क्या हुआ a हुआ, b क्या होगा डिवाइजर, डिवाइजर क्या हुआ 196 से हमने इसको डिवाइड किया। अब आपको डिवाइड तो आती होगी, अगर नहीं आती तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। वैसे मैं लाइटली इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये 3 डिजिट है तो यहाँ से हमने 3 डिजिट ली, तो ये 3 डिजिट इसके नीचे आ सकती है, बाकी हमें टेबल का पता होना चाहिए। टेबल इतनी बड़ी अगर आपको नहीं आती है तो आपने क्या करना है, पहले इसको करके देख लेना साइड में, 196 वन जा, फिर 2 जा, फिर 3 जा। अगर 2 जा करते हैं तो पीछे से एक डिजिट देखो 6 है, अगर मैं इसकी पीछे 6 हटा देता हूं और यहां से मैं 92 जा करता हूं तो 38 आता है। अगर मैं इसको 2 से करूंगा 26 है 12, तो 1 कैरी आ गया, तो इससे बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 1 पे ही जाएगा ये, तो 1 पे किया इसको 196, 12 में से 6 गया 6। अब ये देखो यहां पे 7 हुआ, यहाँ कैरी ले लेंगे 17 हुआ, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 1 गया 1। उसके बाद हमने क्या किया 2 को कैरी लिया ऊपर से, क्योंकि हमारा 196 बड़ा है और 186 छोटा है, तो इसके नीचे ये नहीं आ सकता, इसलिए 2 कैरी ले लेंगे। 2 कैरी लेने के बाद हमने हमारे पास आ गया 1862। अब 196 की टेबल काउंट करेंगे हम, तो टेबल करने के बाद हमें कुछ पता चलेगा, जैसे अब 9 की टेबल पे जैसे मैंने इसको किया तो 9 की टेबल पे कुछ हद तक ये 3 डिजिट जाती है, तो 9 तक हम जा सकते हैं, तो 196 9 जा अगर हम करते हैं तो साइड में आप करके देख लेना, 196 को 9 से करते देख लेना, 96 जा कितना हुआ 54, तो 5 कैरी लिया, 99 जा 81 और कितना होता है 5 कितना हो गया 99 जा 81 और 5 कितना हो गया 86, 8 कैरी गया, 91 जा 9 और कितना आ गया 1764। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 1764, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 में से 4 गया 8, अब देखो यहाँ पे 5 रह गया जो कि नहीं जा सकता, तो हमने कैरी लेना है 15 में से 6 गया, कितना आ गया आपके पास 9। अब यहाँ पे क्या पता 7 में 7 गया 0, 1 में 7 गया 0। तो अब क्या करेंगे, एक डिजिट और पड़ा है, कई बार बच्चे क्या करते हैं इस सम को आगे आगे करते जाते हैं, क्योंकि एससीएफ का मेथड होता है कि जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बना दो, फिर ये वाला अंदर आके डिविडेंड बन जाता है। लेकिन अब देखना पहले हमारी डिजिट कोई रह तो नहीं गई है, तो ये वाला सम इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, और दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि आपको देखना है कि आगे कोई कैरी पड़ा तो नहीं है, उसको छोड़ नहीं देना। आप क्या करते हो कई बार इसको छोड़ देते हो, तो जैसे हमने ऊपर से लिया एक जीरो अभी और बची हुई है, तो अब देखो अब ये जीरो है लास्ट में, तो आप डिजिट काउंट करके देखो 196 को ऐसे डिजिट पे करके देखो जिसके एंड में जीरो आ जाए। अब देखो 2 की टेबल पे करो 2 6 12, जीरो नहीं आ रही, हम देख लेते हैं चेक करके देखते हैं, क्या पता है पूरा पूरा कट जाता है, कई बार ऐसा होता है। जैसे देखो 5 6 कहता हूँ 30, तो हम लेटेस्ट ट्राई 196 को 5 पे ट्राई करके देखते हैं, 5 6 30, वैसे आपका 980 ही आएगा करके देख लेना, तो आपका आ जाएगा 5, यहाँ पे आया 980 जो कि आपका पूरा क्रॉस हो गया, तो एंड में कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ये तब तक आपने करते रहना है, ऐसे आपका मीनिंग होता है लास्ट में 0 आनी चाहिए, आपका रिमाइंडर में आपका 0 आना चाहिए। तो इसको ट्राई करने के बाद हमें ये पता चल गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, आगे मैं करता हूँ इसका, आगे सम करते हैं। तो अब देखो अब रूल कौन सा अप्लाई होगा हमारा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रूल होगा। हम लिखेंगे सिंस 38,220 ग्रेटर है 196, वी अप्लाई द डिविजन लिम्मा टू गेट, उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा डिविडेंड,
फिर क्या आएगा आपके पास डिवाइजर, फिर क्या आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आया था हमारे पास 195 प्लस रिमाइंडर, अब रिमाइंडर क्या था हमारे पास जीरो आ चुका था तो आ जाएगा जीरो। अब हमारा एचसीएफ क्या हुआ, हमने फाइंड क्या करना था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है हमने एचसीएफ, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा हमारे पास क्या हुआ बताओ आप, एचसीएफ क्या होगा हमारे पास 196, क्योंकि लास्ट डिजिट यही है हमारी जो कि सबको डिवाइड करने के बाद जीरो आती है, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ जो आ गया आपके पास वो कितना आया 196, तो आपका आंसर आ चुका है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड सम है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव वोट इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो इसमें भी वही मेथड लगेगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन है लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, अब ये देखो हमारे पास 6q+1 6q+3, अब ये देखो कोई भी क्वेश्चन हमारा चेंज होके भी आ सकता है, जैसे 6q+1 2 3 कुछ भी आ सकता है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता था सम, ये समय से भी हो सकता था, ये समय से भी हो सकता है, तो कोई भी सम आपके पास आ जाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि बी हमारा क्या होना चाहिए, तो इस डिजिट को उठा लो आप, इस डिजिट को, ये डिजिट आपका बी बन जाती है, तो बी मीन्स होता है आपका डिवाइजर, ध्यान रखना है आपने, ये आपका डिवाइजर है, क्वेश्चन है प्लस रिमाइंडर है, तो आपके पास जो बी होगा हमारे पास अब इस टाइम बी सेकंड क्वेश्चन के अंदर बी कौन है 6, ठीक है। रूल कौन सा अप्लाई होना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अब देखो अब हमारे पास बी क्या है हमारे पास 6q प्लस में क्या आ जाएगा आर, अब जो आर है उसकी लिमिट कितनी है, आर क्या है वो जीरो से बड़ा और जीरो के इक्वल है और लेस देन किसके हुआ बी के, अब देखो वेयर, अब देखो जीरो हमारे पास और यहाँ पे b कितना है हमारे पास 6, यानी कि जो हमारा r होगा वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, कैसे पता चला हमें मैं बताता हूं आपको, देखो r इक्वल का साइन है और ग्रेटर है किससे जीरो से, तो क्या हो गया एक तो जीरो हो गया, ठीक है इक्वल टू, इसलिए साथ में क्या हो गया इससे ग्रेटर भी होना चाहिए लेकिन लेस देन 6, 6 से कम होना चाहिए, तो क्या होगा ये 6 से कम कैसे होगा 0 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेना, क्यों क्योंकि लेस देन 6 है, तो अब आप सम आगे चलेगा आपका, तो आपने क्या करना है नंबर 1 यहां लिखोगे पुट r इज इक्वल टू 0, पुट कहां करना है यहां पे, तो क्या हुआ a क्या होगा हमारा 6q प्लस में 0, अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या आंसर आ जाएगा 6q में अगर 0 ऐड करेंगे तो आंसर तो 6q ही होगा ना, तो 6 आ गया, तो अब ये क्या चीज है, अब ये देखो 2 की टेबल हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये क्या हो गया इसमें साथ में लिखते जाओ साथ में इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर है, आगे हम सम करते हैं, इसको नोट डाउन करते रहना पॉज करके, अब आगे चलते हैं हम, अब हमारा इवन नंबर आ गया, अब सेकंड पार्ट है इसका, पुट ऐसे चलता जाएगा r इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 6q+1, अब ये देखो इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया ओड नंबर, थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारे पास r इज इक्वल टू कितना आ गया 2, a इज इक्वल टू क्या हुआ 6q+2, अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है तो क्या हो गया हमारे पास इवन नंबर, नाउ पुट r इज इक्वल टू कितना आ गया 3, अब देखो r इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, अब क्या करेंगे a इज इक्वल टू 6q+3, अब इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल रहा तो ये क्या हो गया ओड, फिफ्थ पार्ट, अब लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 4, अब r इज इक्वल टू 4 लिखा तो ये क्या हो गया a इज इक्वल टू 6q+4, अब ये हमारे पास 2 कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया इवन नंबर, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया लास्ट 5, तो लास्ट 5 रह गया हमारे पास, तो हम करेंगे पुट r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6q+5, अब 6q+5 है इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्या बन जाएगा ओड, अब आपने देख लिया यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा इवन ओड हमारे पास आ चुके हैं, और हमारा क्वेश्चन उठाते हैं, हमारे क्वेश्चन का मतलब क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमने ये प्रूव करना है कि ओड इंटीजर हमारे किस फॉर्म में आते हैं
सिक्स क्यूब प्लस वन की फॉर्म में, सिक्स क्यूब प्लस थ्री की फॉर्म में और सिक्स क्यूब प्लस फाइव की फॉर्म में। वैसे तो देखो आपको समझ आ चुकी है कि आपको नजर भी आ रहा है ये ओड ही है, बाकी सारे इवन है। तो आपने ये जो लाइंस लिखनी है थोड़ी सी बीच में, इसको नोट डाउन करते रहना पॉज करके वीडियो को। अब लिखेंगे नाउ ए बी क्या क्या हो सकता है, देखो सिक्स क्यूब प्लस वन, सिक्स क्यूब प्लस थ्री, सिक्स क्यूब प्लस फोर और सिक्स क्यूब प्लस फाइव। बट सिक्स क्यूब प्लस टू और सिक्स क्यूब प्लस फोर सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर है, आर ये आपने लिखना है इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। सो दिस इज कंक्लूड दैट सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव आर ओड पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हमने प्रूव करना था। ये लाइन्स आपने लिखनी है, है कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी समझने की बात है। ये आपको समझ आ चुका है, आपने वही चीज़ लिखनी है बस जो आपके मन में आया, मैंने ये चीज़ मेरे को समझ आ चुकी है, तो वही आपने फॉलो करके इसको लिख देना है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया, नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ये आप खुद भी कर सकते हो, तो इसमें आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना, थर्ड सम इजी है, इसको खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन है फोर, यूज यूक्लिड डिवीजन लिमिट टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इसमें फर्क कितना है, फोर्थ वाले क्वेश्चन के अंदर आप लाइन पढ़िए ध्यान से, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और फिफ्थ क्वेश्चन में जो लाइन है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सम बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंट क्या है, आपने कुछ लाइन्स तो बिल्कुल सेम करनी है, उसके बाद सिर्फ आपका आइडेंटिटी लगनी है दो, एक में लगनी है स्क्वेयर की और दूसरे में लगनी है क्यूब की, तो दोनों में आइडेंटिटी अलग अलग लगेंगी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट में लिख देना, तो आपको और क्लियर करेंगे, बाकी कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो आप ये क्वेश्चन हम फोर्थ उठाते हैं, इसमें भी वही लाइन्स हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या लेना है, हमें हमारा जो आंसर है 3m प्लस 1, तो इसमें क्या करना है आपने, तो सबसे पहले वही लाइन सेम चलेगी, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और इसमें जो लाइन चलनी है बिल्कुल सेम है जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था। सेकंड क्वेश्चन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3, ठीक है, इसमें भी वही चीज चलेगा, रूल जो अप्लाई होना है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला, और यहाँ पे b क्या है 3 है, तो क्या बन जाएगा a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, और r जो मैंने आपको बताया था b से छोटा होना चाहिए, b क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो वेयर r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2, 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन 3 से स्मॉल होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो अब ये देखो सबसे पहला है हम करेंगे पुट r इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या हुआ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यू, r के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास a इज इक्वल टू कितना आ गया 3 क्यू। अब क्वेश्चन है हमारा स्क्वेयर, तो हमने क्या करना है सिर्फ इसका स्क्वेयर कर देना है, इसका कर देना हमने स्क्वेयर। अब देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फर्क है, यहां तक फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम रहेगा a इज इक्वल टू 3 क्यू, अब हमने करना है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयर किया हमने, तो a का स्क्वेयर करेंगे इधर से, किसका स्क्वेयर करेंगे 3 क्यू का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3 3 9 9 क्यू स्क्वेयर। अब देखो a स्क्वेयर है
इधर क्या है, 9 क्यूब है आपके पास, तो आपका आंसर क्या चाहिए था आपको, 3m और 3m प्लस 1 चाहिए था। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, अब ये देखो 3 है ना, तो हमें क्या करना है इसमें से 3 कॉमन निकाल देना है। तो इसमें से 3 कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया, 3 क्यूब का स्क्वायर। अब देखो हमें आंसर चाहिए 3m, हमारा 3 आ चुका है, हमने क्या करना है अंदर वाली चीज को m पुट कर देना है। आपने एक लाइन लिखनी है वेयर 3 क्यूब प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू m, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया। अभी हमने क्या करना है 0 1 2, तो हमने 1 भी लेना है और 2 भी लेना है। अब देखो नोट डाउन करते रहना इसको। अब आगे हम करेंगे सेकंड इसका पार्ट। अब हम लिखेंगे यहां पे सेकंड पार्ट a इज इक्वल टू 3 क्यूब, अब हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। फिर करेंगे इसमें स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और इसमें लिखेंगे 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो अब इसका स्क्वायर करते हैं। अब कंफ्यूजन कहां आती है बच्चों को, आइडेंटिटी नहीं आती, तो उसके लिए मैं आइडेंटिटी एक बार लिख देता हूं यहां पे। इसकी आइडेंटिटी जो यूज होनी है वो ऐसे होनी है a प्लस बी का स्क्वायर। देखो ये a बन गया, ये b बन गया। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये वाला रूल लगेगा यहां पे, तो ये आपने आइडेंटिटी याद रखनी है इसकी। अब लगाते हैं यहां पे a का स्क्वायर मींस क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहां पे ए स्क्वायर 3 3 जा कितना हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6 क्यू। अब देखो अब हमने क्या करना है इसको, ये इक्वेशन जो बनी है हमारे पास इसको डिजिट के आपको पावर के हिसाब से लिखना है। जैसे देखो 9 क्यू स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद 6 क्यू आएगा, रीअरेंज करना है इसको प्लस 1, साइन वही रहेंगे, साइन चेंज नहीं करने, बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है साइन चेंज कर देता है, साइन चेंज नहीं करने। अब आप क्या करोगे, देखो इन दोनों के अंदर हमें जो चाहिए 3 वो कॉमन आ रहा है, आपने यही चीज देखनी है बस। 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 क्यूब, प्लस में क्या आ गया 1, कोई बात नहीं हमें 1 चाहिए था, ओके। तो यहां पे क्या करेंगे, ये वाली चीज फिर एम हो जाएगी, तो क्या हो गया 3m प्लस 1। तो आपने लाइन लिखनी है इसके बाद वेयर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m। अब इसको m पुट कर देंगे, तो अब क्या करेंगे, अब देखो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस m लिख दिया हमने इज इक्वल टू m। अब यहां पे क्या करना है आपने, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 आपके पास आ चुका है। अब आपके पास लास्ट पार्ट क्या रह गया है, थर्ड पार्ट रह गया आपके पास 2। अब आप देखो थर्ड पार्ट हम करते हैं इसका, पुट r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, फिर वही चीज स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या आ गया 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 2 जा 12 क्यू। अब देखो अब हमें 3 चाहिए और 1 चाहिए ओनली, तो यहां पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का, हमारे पास 4 आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको ताकि मैं आगे करूं इसको। अब देखो मैं आगे कर रहा हूं सम को, यहां पे ए स्क्वायर लिखा सबसे पहले, सबसे पहले बड़ी पावर हमारे पास 2 है, उसके बाद 12 क्यूब, उसके बाद हमने क्या लिखना है 4। अब हमने 4 को ब्रेक कर लेना है, इसके टुकड़े कर लेंगे, दो में डिवाइड कर देंगे टुकड़े इसके 12 क्यूब। अब किसमें तोड़ सकते हो आपने, 3 प्लस 1 में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 4, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें 3m चाहिए, 3 चाहिए हमें यहाँ पे कॉमन, तो हम क्या करेंगे और 1 भी चाहिए, 1 2 3 तीनों में से 3 कॉमन निकाल लो। देखो ध्यान से 3 क्यूब का स्क्वायर 3 4 जा 12 प्लस में 1, और प्लस में 1 अलग से है। अब फिर वही इसको क्या करेंगे, m पुट कर देंगे, ओके।
तो सम इजी है, घबराना नहीं आपने, बड़ा इजी लगेगा आपको। अब ये देखो ए स्क्वायर, अब हमने इसको एम पुट करा तो क्या हो गया 3m+1। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि इसने जो क्वेश्चन पुट किया था हमें ये कहा था कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 और फॉर सम इंटीजर। तो लास्ट में आप लाइन ले देंगे सो दिस इज प्रूव दैट, बाकी सारे लाइन क्वेश्चन वैसे ठीक है। अब देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट हमें हमारा 5, नोट इट डाउन, पॉज करके वीडियो को इसको नोट करते रहिए साथ साथ, ताकि आप बाद में क्लैरिफिकेशन करके इसको चेक कर सको, आप कर सको, इसको देख सको बार बार। अब आगे देखिए 5th क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9n, 9n+1, 9n+8। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या मांग रहा है, पहले उसको माइंड में रखना है आपने कि मांग क्या रहा है, ये हमसे मांग रहे हैं ठीक है। तो आपने क्या करना है, वही लाइन दोबारा से, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 9 का फैक्टर क्या होता है 3, इसमें भी 3 लेंगे ओके। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो r है वो क्या है b से लेस देन और 0 से ग्रेटर और इक्वल। अब a इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास 3, सेम लिख देंगे ऐसे ही, r यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, समझ आ रहा है आपको। आगे देखिए वेयर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 1 और 2। फिर हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर किस प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब ये हमारा क्वेश्चन है क्यूब मांग रहा है, ये क्यूब में क्या करेंगे हम लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है इसको क्यूब कर देना है। अब दोनों तरफ क्यूब करने के बाद क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो नोट डाउन। अब ये देखिए अब हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया ठीक है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो हमारी जो आइडेंटिटी लिखनी है, पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं क्यूबिंग की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² ठीक है, ये आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी। तो हमने ये आइडेंटिटी लगानी है, इसको नोट कर लीजिए, ये आइडेंटिटी लगेगी हमारी यहाँ पे। तो हमने इसको क्यूबिंग करना है दोनों साइड को, तो क्यूब करने के बाद हमने यहाँ लिखा ए क्यूब और इधर क्या है हमारे पास 3q³। अब इधर आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27 q³। अब देखो हमें 9n चाहिए, अब हमने इसमें जैसे उस पर पहले वाले क्वेश्चन में 3 कॉमन निकाला था, इसमें हमने क्या निकालना है 9 कॉमन निकालना है। अब देखिए अब हमने इसको क्या करना है m पुट कर देना है, वेयर m इज इक्वल टू 3q³। तो a क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास 9n। सेकंड पार्ट अब क्या करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1, अब हमने क्या करना है r को 1 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 3q+1। अब क्या करेंगे नोट डाउन कर लो इसको, अब इसका करेंगे हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इसका क्यूब कर दिया, अब देखिए इसका मेथड क्या लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² अब देखो 3 × 3 = 27 q³ + 1 का क्यूब क्या होता है 1, 3 × 3 = 9, पहले इसको खोलेंगे
3 3 9 9 3 27 27 क्यू स्क्वायर 3 3 9 क्यू। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे हम। सबसे पहले 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, फिर 9 क्यू प्लस में कितना आ जाएगा 1। अब देखिए सब में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन निकाल लेंगे प्लस 1। ठीक है, वेयर वही रिपीट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज किसके इक्वल है, एम। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज द वीडियो नोट डाउन। अब हमारे पास यहां पे एम पुट हो गया तो ये क्या आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m+1। अब हमारा सेकंड पार्ट आ चुका है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। पुट आर इज इक्वल टू 2, फिर करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, फिर वही ए इज इक्वल टू, हमने पहले यहां लिखना है ए इज इक्वल टू 3q+2। अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहां आ जाएगा 3q+2 का क्यूब। अब इसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब का मेथड लग जाएगा हमारा, यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी क्यूब की, वही वाली जो अभी मैंने आपको बताई थी। क्या थी वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 9 3 27 q³ 2 2 4 2 8 3 3 9 9 3 27 27 2 54 q² प्लस देखो 2 2 4 4 3 12 12 3 36 q। अब देखो अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, पहले इसको अरेंज करते हैं पावर वाइज कर लेंगे इसको, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, सॉरी 36 क्यूब प्लस में 8। अब देखो अब 8 हमें कुछ नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि 8 हमें चाहिए, 8 का कुछ नहीं करना आपने, 8 हमें चाहिए तो 8 साथ में चल रहा है। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो हमें 9 चाहिए कॉमन निकाल लो, 9 3 27 9 6 54 9 4 36 प्लस में कितना आ गया 8। उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आगे कर सकूं। अब देखिए अब हमारे पास वही चीज वेयर लिख के कि ये इज इक्वल टू एम, तो हम कर देंगे ए क्यूब इज इक्वल टू 9m+8। तो आपका आंसर आ चुका है, और आपका जो क्वेश्चन था वो यही था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। तो आपको समझ आ गया, ये वाली लाइन आपने लास्ट में लिख देनी है कि हमारी इसी फॉर्म में क्यूब का जो एनी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी कोई कमेंट में लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम रह गई हो। तो नेक्स्ट जब मैं एक्सरसाइज करूंगा उसके अंदर थोड़ा और करके दिखाऊंगा अच्छे से, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए भी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।